There is a mirror. This these are the wave fronts incident on the mirror. ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ऐसा चले आ रहे हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, येलो लाइन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. आते 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 हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जब इस वेव फ्रंट का नीचे का पॉइंट मिरर को टच करता है. ठीक है, यहां से हमारी स्टडी शुरू होगी. ये क्या चीज है? वेव फ्रंट ऐसे प्लेन. ये क्या चीज है? डायरेक्शन. ओके, अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? तो आंसर है कि वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो आप नोट कर लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ठीक है, नॉट दिस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो इसको मैं नोट कर देता हूं सो दैट यहां पर वो नियम नहीं है जो रेस के साथ था, लेकिन वही नियम भी है. कैसे? एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस. ये इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. रे ऑप्टिक्स में आपने क्या पढ़ा है? इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है ये, और ये नॉर्मल है. तो उसके अनुसार इस एंगल को क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस. बट ज्योमेट्री देखिए, ये वाली सरफेस पे ये नॉर्मल है और ये वाली सरफेस पे ये नॉर्मल है. तो दोनों सरफेस के बीच जो एंगल होगा वही एंगल दोनों के नॉर्मल के बीच होगा. इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं. रे ऑप्टिक्स में हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स में इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पर एक्चुअली दोनों की वैल्यू सेम होती है. समझ में आ गया? ओके, सो ये फिर से वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस. उस समय ए में वेव्स बननी शुरू हुई, सेकेंडरी वेव. हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट बिकम ए सोर्स इटसेल्फ एंड स्टार्ट प्रोपेगेटिंग इट्स वेव्स. तो ए और बी दोनों ने अपनी अपनी वेव्स बनानी शुरू की. ए की वेव्स कहाँ हैं? तो आंसर है ए ने जो वेव्स बनाई वो वेव नीचे आ नहीं पाएंगी बिकॉज दिस इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट सरफेस, दिस इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसलिए इसकी वेव नीचे नहीं आती हैं. तो ये वेव किधर बनाता है? तो आंसर है ये वेव ऐसे बनाता है. ये इस तरह से ये वेव्स किसकी बनाई हुई है? ए की. ठीक, ये ऐसे बनाते चला गया. उसी समय जो पॉइंट बी है ये भी अपनी वेव्स बना रहा है. तो बी ने जो वेव्स बनाई वो बी की वेव्स आगे बढ़ती गई और ये यहां से इसकी ये वेव्स इस तरह से बढ़ती गई, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. उसको मैं सिर्फ इसी लाइन पर बनाता हूं, ऐसा ऐसा, और ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया. किसका? बी का डिस्टरबेंस. हम वो वाला इंस्टेंट चुनते हैं जब बी का डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है. मान लो वो डिस्टरबेंस यहां से लेके यहां तक टी टाइम लेता है. कितना टाइम? टी. और वेलोसिटी ऑफ द लाइट वी है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? वेलोसिटी इनटू टाइम वी टी. तो बी से लेके ये वाला पॉइंट जिसका नाम हमने रख दिया सी, तो बी सी किसके बराबर हुआ? वी टी. ठीक है, ओके.
अगर ये इसका डिस्टरबेंस vt डिस्टेंस तक पहुंचा है तो a का डिस्टरबेंस ये, इसकी वेव भी कितनी दूर पहुंच गई होगी vt, क्यों? दोनों सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन भले अलग अलग है लेकिन सेम मीडियम है, तो दोनों की सेम वेलोसिटी v। टी टाइम में जब इसका डिस्टरबेंस यहां है तो इसका डिस्टरबेंस भी कितना दूर पहुंचा होगा वी टी। तो हमने देखा यहां से ये हमने इसको नापा वी टी और इसका भी नापा वी टी और ये यहां पर ऐसा बना दिया। ये हाँ ये ओके। तो ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच चुका है किसका, ए का। ये देखिए ये गोला, ये 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 और ये, अभी यहां पर डिस्टरबेंस है टी टाइम के बाद और इसका डिस्टरबेंस यहां पर है टी टाइम के बाद। अब ये रहा इसका डिस्टरबेंस, छोटी सी वेवलेट जो स्टार्ट हुई, और यहां पर ये वेवलेट्स इसकी है किसकी, ए के डिस्टरबेंस की, ये किसकी है बी के डिस्टरबेंस की। अगर वो बी के डिस्टरबेंस की है और ये ए के डिस्टरबेंस की है, और गॉस थ्योरम, गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है मेथड, कि हमको एक कॉमन टेंजेंट बनानी है, तो ये वाला डिस्टरबेंस, ये वाला डिस्टरबेंस और यहां से भी रे निकलेंगी, उनके डिस्टरबेंस भी होंगे, यहां से भी निकली हैं, इनके डिस्टरबेंस भी होंगे, ये यहां पहुंचा। इस तरह से ये सब की हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाई, उसके एक एंड पर इसका डिस्टरबेंस है, दूसरे एंड पर इसका डिस्टरबेंस है, और ये बीच वालों के, इनके डिस्टरबेंस यहां पहुंचे होंगे। तो इन सब का हमको यहां पर मिल गया एक कॉमन वेव फ्रंट लाइक दिस, ये नया वेव फ्रंट बना कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, ठीक है। यहां से जो डिस्टरबेंस चल रहे थे वो यहां पहुंचे थे, ये उसका है, यहां से जो ऐसे आया इसका ये है, यहां से जो ऐसे आया इसका ऐसा फैलते फैलते यहां पहुंचा, यहां से जो आया डिस्टरबेंस इसका फैलते फैलते यहां पहुंचा, और ये सब का कॉमन टेंजेंट यहां पर बना। अब ये किस डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो आंसर है यहां से दिखता है ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये यहां टकराकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका प्रोपेगेशन इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन हमने यहां से बना दी, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन, एंड दिस नॉर्मल डायरेक्शन इज दिस। नॉर्मल नॉर्मल ये इनकी नॉर्मल डायरेक्शन बन गई। तो इस तरह से वेव फ्रंट कहां बने, तो आंसर है ये इसके वेव फ्रंट बने। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये वाले आउटगोइंग वेव फ्रंट, और बीच में प्रोसेस क्या हुई है, तो आंसर है बीच में जो प्रोसेस हुई है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यस, यहां से ये ऐसे गया, ये इसका डिस्टरबेंस का सर्कल है, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, इसका डिस्टरबेंस यहां पहुंचा है, इसका डिस्टरबेंस यहीं पर है। इस तरह से सबके डिस्टरबेंस पर हमने एक कॉमन टेंजेंट बनाई, तो वो कॉमन टेंजेंट ये वाली बनी, और यही कॉमन टेंजेंट फिर से नए सोर्स बनाएगी, उस सोर्स से ये अगला, उससे अगला, उससे अगला और उससे अगला। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सारे इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होते जा रहे हैं, सो दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दिस वन, ये दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। अगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट है तो सबसे पहला वेव फ्रंट ये है इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दिस। ये क्या था आई और वो आर। दिस इज आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां स्ट्राइक किया था और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहां पहला बना, दिस इज आर। इस तरह से आई और आर ये दोनों बने और रिफ्लेक्ट होके ये इधर चला गया। दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो अभी तो हमने ये एक्सप्लेन किया कि वेव थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो इसमें प्रूफ होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं, यहां पर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया डी। ओके, तो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी एंड ए डी सी, ये वाला डिस्टेंस, हाँ एक चीज आपको ये दिख रही है, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी। दूसरा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपने पहले निकाला है वी इंटू टी, दिस इज वी टी, ये डिस्टेंस है ये। ओके, यहां से इसकी वेव यहां पहुंची है ठीक उसी टाइम में, टी टाइम में, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया यहां से यहां तक, वी टी, वी टी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड वेव फ्रंट ऑफ द लाइट, इनके बीच एंगल कितना, राइट एंगल, और यहां भी कितना, राइट एंगल। सो एंगल बी एंड एंगल डी, ये कौन सा है, राइट एंगल। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड वन साइड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाकी तीनों एंगल और साइड्स भी इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए इसमें इक्वल साइड्स कौन सी थी, बीसी और एडी। तो बीसी के सामने इसमें कौन सा एंगल है, आई। एडी के सामने इसमें कौन सा एंगल है, आर। बिकॉज बी सी एंड ए डी आर इक्वल टू ईच अदर, देयर फोर आई एंड आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, सिंस बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज law of reflection, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया, तो वेव थ्योरी से हमने दो चीजें इसमें प्रूफ की, दो, एक तो एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दूसरा ये प्रूफ कर दिया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वेव थ्योरी के बेसिस पे होता है। एंड दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस इन द लैब, लैब में हमने ये चीज देखी। सो वेव थ्योरी इज गुड फॉर एक्सप्लेनिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमने जो
इसमें प्रोसेस बताई थी, उस प्रोसेस के लिए दो लाइन और नोट कर लेते हैं कि वो प्रोसेस क्या. सो व्हेन ए वेव फ्रॉम डी रीच द पॉइंट सी, व्हेन ए वेव फ्रॉम बी, लेट्स करेक्ट इट, बी बी रीच द पॉइंट सी, द टाइम टेकन इज टी. ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्टर्बेंस ऑफ ए मेक्स आर्क विद डी. ये वाले आर्क तक पहुंचती है और इसका रेडियस कितना है, वी टी. ओके, बी रीचेस सी, टाइम टेकन इज डी, डिस्टेंस यहां लिख लेते हैं वी टी. ये वाला डिस्टेंस बी से यहां तक वी टी. ओके, डी विथ रेडियस वी टी, ये रेडियस वी टी. कॉमन टेंजेंट एट डी एंड सी, इसका डिस्टर्बेंस यहां है, इसका डिस्टर्बेंस यहां है, सो वी मेक ए कॉमन टेंजेंट डी एंड सी. ये हमको क्या देता है, दिस गिव्स द न्यू वेव फ्रंट डी सी, और ये वेव फ्रंट सरफेस के साथ आर एंगल बनाता है. दिस इज मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है, ये सबसे छोटी इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से बनेगा. और उसके बाद वहां पर हमने लॉ का प्रूफ किया, दिस इज प्रोसेस एंड दैट इज प्रूफ, दिस इज डायग्राम. सो दिस इज हाउ रिफ्लेक्शन इज एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी. सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन. सो अब देखिए रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स, दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू. वी कैन एज्यूम मीडियम टू इज द डेंसर मीडियम. ठीक है, देर इज ए वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस सर्फेस, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, गिवन बाय द येलो लाइन्स, एंड दीज आर द वेव फ्रंट्स. ओके, आते 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 यहां पर टकराया फर्स्ट वेव फ्रंट. जैसे ही वेव फ्रंट इससे टकराता है, इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद दिस, एंड दैट एंगल वी विल टर्म एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. राइट, दिस इज द सिचुएशन. नाउ अगेन वी गिव इट ए नेम, दिस इज ए एंड दिस इज बी. इट्स वेलोसिटी इन दिस मीडियम इज वी वन. This disturbance keeps on moving and reach the point C, and it has taken the time T. If it has taken the time T, then what is the distance BC? V1 multiplied by T. This is the distance BC. Okay? BC is equal to V1 T. This disturbance reaches here. कितना टाइम लगा, T. उतनी देर तक A, ये भी अपनी वेव्स बनाता है, ये भी डिस्टर्बेंस को प्रोपेगेट करता है. तो इसने अपनी वेव्स बनानी शुरू की और ये वेव्स इसने यहां पर फैलानी शुरू की, और ये लाइक दिस. ये जो वेव प्रोपेगेट हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शंस, बट द वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन इज नॉट वी वन. व्हाई? द मीडियम इज डिफरेंट, दिस इज ए डेंसर मीडियम, सो वेलोसिटी बिकम लिटिल लेस. मान लीजिए यहां पर उसकी वेलोसिटी है v2. ओके, तो v2 टाइम तक ये वेव्स बनाते चला गया, और v2 टाइम में जाकर इसने फाइनल जो वेव, इसका जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस यहां पहुंचता है, दैट इज दिस. ये वाला डिस्टेंस कितना है, v2. दिस इज v2 मल्टीप्लाइड बाय t. How much is this? V2 multiplied by T. How much is this? V2 multiplied by T. उतनी दूर तक पहुंचा. इसने V1T यहां पर पहुंच गया है, इसका डिस्टर्बेंस, और इसका डिस्टर्बेंस उसी T टाइम में यहां तक पहुंच गया है. Then where will be the new wave front?
अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल द कॉमन टेंजेंट विल बी द न्यू वेव फ्रंट. तो हमने इस पे कॉमन टेंजेंट बनाई. ये यहाँ से ये वाला ऐसा रेडियस लिया जिस रेडियस पर ये राइट एंगल बनेगा. ऐसे ये ये रेडियस ये राइट एंगल देन ओनली इट्स ए टेंजेंट. और यहां पर तो एक ये छोटी सी ये वेवलेट है, इस वेवलेट पर ये टेंजेंट. सो दिस इज कॉमन टेंजेंट. बीच वाली ये वाला पॉइंट, इसने एयर में या फर्स्ट मीडियम में इतना डिस्टेंस आया और सेकेंड मीडियम में ऐसा आ गया होगा लाइक दिस, तो इसकी भी ये टेंजेंट बन गई. सो दिस बिकम्स ए कॉमन टेंजेंट दिस. और ये कॉमन टेंजेंट क्या होती है? न्यू वेव फ्रंट. सो दिस इज अवर न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी. अब ये वेव फ्रंट के सारे पॉइंट फिर से नए सोर्स बने और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है. कोई भी वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में आगे जाता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ये नया वेव फ्रंट बना. अब ये मीडियम पूरा इस डिस्टरबेंस के लिए मीडियम टू, इसके लिए भी मीडियम टू, इसके लिए भी मीडियम टू, तो सबकी वेलोसिटी कैसी है? v2. इसलिए अगले t टाइम में सबका डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल. और अगर इक्वल डिस्टेंस है तो नया वेव फ्रंट यहां बना, इक्वल डिस्टेंस. फिर उसके बाद यहां बना, फिर उसके बाद यहां बना, ये. तो ये इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते चले गए. ये वाला जितना डिस्टेंस होता है उससे ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है. अब वी कैन करेक्ट द ड्रॉइंग ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे. ये अब आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी थी और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऐसी हो गई, डायरेक्शन मुड़ गई. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है? तो ये वाली जो वेव फ्रंट बना इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. सो दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. और ये वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. हाँ, तो एक मिनट इसकी प्रोसेस देखिए. व्हेन इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी स्ट्राइक्स द इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस, ओके. देन ओके, इंटरफेस एट ए, पहला पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया, उस समय बी वेव्स बना रहा है मीडियम वन में वी वन वेलोसिटी के साथ, ओके, विथ वेलोसिटी वी वन. इन टाइम टी इट रीचेस बी टू सी. टी टाइम में इसकी वेव यहां पहुंच गई तो ये डिस्टेंस कितना है? वी वन टी. उसी टी टाइम तक ए बी वेव्स बनाते रहा और ये जो रेडियस है ए डी रेडियस तक उसका आर्क पहुंच गया टी टाइम में. और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आर्क वाला डिस्टेंस, दिस इज वी टू इंटू टी ए डी, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज वी टू एंड टाइम टेकन इज टी, रीचेस दिस इज ए टू डी. ए मेक्स एन आर्क ऑफ रेडियस वी टू टी सिंस वेलोसिटी इन मीडियम टू इज वी टू, ओके. नाउ वी मेक ए कॉमन टेंजेंट. ये इसका डिस्टरबेंस है, ये इसका डिस्टरबेंस है, कॉमन टेंजेंट डी सी. वी मेक ए कॉमन टेंजेंट सी डी विच इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये इसमें बना है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा सरफेस के साथ, दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके. सो दिस वेव फ्रंट मूव्स इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इटसेल्फ. अब आप इसमें देख रहे हैं बी सी इज लार्जर, ए डी इज स्मॉलर, देयरफॉर दिस डायरेक्शन हैज चेंज्ड.
ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन चेंज हो गई. दैट इज द रीजन दैट वाई द रे बेंड्स इन द डेंसर मीडियम. अगर यहां पर स्पीड कम होती तो क्या होता, ये वाली लाइन और बड़ी हो जाती, फिर ये लाइन छोटी हो जाती और ये वेवफ्रंट ऐसा मुड़ जाता, जिसको हम क्या कहते थे रे ऑप्टिक्स में, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये किधर हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल. समझ आया? तो इसका बेसिक रीजन क्या होता है? बेसिक रीजन ये होता है कि इसने मीडियम टू में चलना शुरू किया और ये अभी भी मीडियम वन में चल रहा है, तो ये जितनी देर में इतना दूर पहुंचता है, ये थोड़ी सी दूर ही पहुंचता है. इसलिए जो अगला वेव फ्रंट बनता है उसकी डायरेक्शन टेढ़ी हो जाती है और ये बेंड हो गई, तो ये एंगल आर हो गया. नाउ यहां पर हम लोगों ने देखा साइन आई किसके बराबर है. साइन आई, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस. साइन आई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. ए सी और बी सी किसके बराबर है, वी वन टी डिवाइडेड बाय बी सी. साइन आर, दिस इज ए सी, राइट. साइन आर इज इक्वल टू साइन आर, ये आर है, परपेंडिकुलर ए डी, हाइपोटेनियस ए सी. ए डी अपॉन ए सी, और यहां पर ए डी, ए डी किसके बराबर है, ए डी वी टू इंटू टी. सो दिस इज V2 into T divided by AC. Dividing the two, dividing the two, हमें मिला sin I upon sin R is equal to V1 upon V2. Velocity in medium 1 and velocity of light in medium 2. Now velocity of light in one medium is constant. So V1 is constant for medium 1, V2 is constant for medium 2. Therefore V1 upon V2 is a constant. Velocities are constant. Or V1 upon V2 किसके बराबर होता है, refractive index. Therefore, sin I upon sin R is equal to a constant that is known as refractive index. And this is Snell's law. So, we have explained Snell's law with help of wave theory. Right? So, फिर से हमने wave theory के से क्या-क्या explain कर लिया? वेव फ्रंट का फॉर्मेशन, मोशन ऑफ वेव फ्रंट, प्रोपेगेशन. उसके बाद वो वेव फ्रंट जब किसी लेंस से पार होता है तो कैसे बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस से पार होता है तो कैसे बिहेव करता है, प्रिज्म से पार होता है तो किस तरह से मुड़ता है, और उसी तरह से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ वेव थ्योरी. सो दैट्स व्हाई वेव थ्योरी इज गुड इनफ, हर चीज को एक्सप्लेन कर लेती है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि वेव थ्योरी में इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ऑल दीज फिनोमेना which could not be explained by ray optics can be explained by wave optics. तो यहां अभी तक क्या हुआ था, the phenomena which are explained by ray optics can also be explained by wave optics. अब हम वो phenomena देखेंगे which can be explained only by wave optics and not by ray optics. Okay, thank you.